वेलकम टू एस्पायर अदा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो वेलकम बैक, उम्मीद है कि सारे खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो और ये भी उम्मीद है कि इससे पहले जो आपने स्टैटिस्टिक्स को लेके या जो भी लेक्चर्स आपने लिए हैं उनको आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, सब पता होगा बेसिक सारा जो भी मैंने पढ़ाया है। अगर ये पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप इससे पहले स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस देख लें, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जो है इससे पहले की। तो आज हम करेंगे, इससे पहले जितना भी बेसिक था हमने पढ़ लिया है, डेफिनेशंस वगैरह जो भी हैं, तो इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जस्ट फार्मूलाज याद रखने की, क्योंकि वो बहुत थी टर्म्स हैं तो उतना ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप। तो जितना हमें चाहिए उतना हम कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो हम करेंगे वो स्टार्ट करते हैं रेंज से। तो रेंज हम किसको कहते हैं? रेंज तो ऐसे भी हम कितने रेंज में कोई चीज है, हम उस चीज को लेके ऐसे अपनी लैंग्वेज में हम देखते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स में रेंज क्या है? द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, जब किसी सेट का डाटा लेते हैं तो उसमें रेंज क्या है, डिफरेंस है किस किस के बीच में, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, मैंने एग्जाम्पल में लेके 3 दी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 9 है। जब इनके बीच का हम डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का रेंज कितना जाएगा हमारे पास? 6। ओके, तो हमारी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, जो हम डिफरेंस लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज। इट्स अ सिंपल एग्जांपल। तो इससे पहले आपको देखिए मैंने ये सब पढ़ा दिया है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूं। तो प्लीज जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी ताकि आपको सारा बेसिक क्लियर हो जाए। कुछ भी टफ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले भी बोला था, जस्ट सिंपली मैथमेटिक्स में एक लैंग्वेज को, लैंग्वेज के तरीके से इसको यूज किया गया है, तो परेशान ना हो। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का क्या मतलब है? देखिए, डिस्पर्शन इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म, ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो डिस्क्राइब करती है द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज एक्सपेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल। मतलब सपोज करते हैं डिस्पर्शन एक पर्टिकुलर वेरिएबल लें हम अगर, तो वेरिएबल से बाकी कितने उसकी दूरी पर हैं या कितने उसके आसपास हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कैन बी मेजर्ड बाई डिफरेंट स्टैटिक्स टर्म्स। डिस्पर्शन को हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली उसकी टर्म क्या है डिस्पर्शन को मेजर करने की? रेंज, देन क्वार्टाइल डेविएशन, देन मीन डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन क्या है? एक स्टैटिकल टर्म है जो डिस्क्राइब करती है साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये सारी हमारी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सब का क्या होगा? साइज होगा किसी एक पर्टिकुलर टर्म से दूरी पर, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। देन चलिए, इन सब चीजों को आपको सॉल्व करने का इतना जरूरी नहीं है, बट आपको एटलीस्ट फॉर्मूलाज पता होने जरूरी हैं। तो अब क्या है हमारे पास? क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? रेंज मैंने ऊपर आपको समझा दिया है वो क्या है रेंज के बारे में। तो अब सेकंड क्या है हमारे पास? क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है हमारे पास? क्वार्टाइल डेविएशन इज अ सिंपल वे टू एस्टिमेट द स्प्रेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट अ मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल टेंडेंसी, यूजली द मीन। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब वो आपको मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख लेना, सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में हमने सब पढ़ा है। तो इसमें क्या कहता है कि क्वार्टाइल जो है हमारे पास, क्वार्टाइल डेविएशन एक सिंपल वे है एस्टिमेट लगाने का कि मेजर जो लें हम सेंट्रल टेंडेंसी से, वो डिस्ट्रीब्यूशन कितनी दूरी पर है। सो इट गिव्स यू एन आइडिया, ये हमें एक आइडिया देती है अबाउट द रेंज, रेंज के बारे में विद इन
विच द सेंट्रल 50% ऑफ यूर सैम्पल डाटा लाइज, मतलब सपोज करें ये हमारे कुछ इनके बीच का 50% जो डाटा हमारा लाइक कर रहा है उसके बीच में हमें ये चीजें बताता है. तो क्वार्टाइल जस्ट सिंपली आपको एक आइडिया देता है. तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू. जस्ट सिंपल आप इनको जस्ट देख लें, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन मुझे लगता नहीं है कि हमारी किसी क्लास में हमने ज़्यादा इसको प्रीवियस क्लासेस में हमने इतना सॉल्व किया होगा. तो जस्ट इसका फार्मूला आप प्रिपेयर कर लें. देन हमारे पास है थर्ड मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन में क्या है, मीन के बारे में आपने पढ़ लिया है, अब देखते हैं मीन डेविएशन क्या कहता है. सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल. एग्जांपल में मैंने क्या बताया आपको, द मीन डेविएशन ऑफ किसका लेते हैं हम, 3, 6, 6, 7, 8, 11, 15, 16. फाइंड द मीन. सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसका मीन लेंगे. मीन सबको पता है कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास 9 आया. अब क्या करना है, देखिए मीन डेविएशन क्योंकि ये हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, तो डिस्पर्शन हमें हमेशा एक सेंट्रल टर्म से बाकी वाली डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि सेंट्रल टर्म से वो कितनी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. तो वो भी यही है, तो मीन भी यही कहता है कि वो सेंट्रल टर्म हमने निकाल दी, डिस्टेंस हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमारे पास मीन क्या आया 9. तो मीन हमारे पास क्या आ गया 9. तो वैल्यू हमने निकालनी है कैसे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम दैट मीन दैट इज 9. अब हमने 9 से क्या करना है, ये सब कितनी दूरी पे हैं हमारे पास, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है. लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव साइन या पॉजिटिव तो रहेगा ही, बट हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन के बारे में कुछ भी नहीं करना है, हमने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे देखिए 3, 3 माइनस 9, तो अगर इस तरीके से मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए तो हमारे पास 3 माइनस 9, बड़ी टर्म 9 है और इसके साथ माइनस है, तो आंसर -6 लिखना चाहिए, बट हम इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने सिंपली क्या लिख दिया 6. इसलिए क्योंकि ये हमेशा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज आता है. एब्सोल्यूट सबको पता होना चाहिए, ये दो बार जब होते हैं, दो बार के बाद क्या होता है, इन बार्स का मतलब क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस जो होती हैं इनका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. कोई भी टर्म इसके अंदर नेगेटिव होगी तो उसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 9 अगर हमने लिखा -6, तो इसकी बाहर हम क्या डाल देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 6. उसके बाद 6 माइनस 9 तो हमारे पास 3 आएगा, 6 माइनस 9 अगेन हमारे पास 3 आएगा, 7 माइनस 9 हमारे पास 2 आएगा, 8 माइनस 9 1 आएगा. यहाँ पे भी -1 आता और लेकिन हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उठा के रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया 1. देन हम 11 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 15 माइनस 9 करेंगे 6 आएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा. तो ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वैल्यू जितनी भी ये हमारे पास हैं, ये 9 से कितनी दूरी पे हैं, ये सब हमने फाइंड करके इनकी पोजीशन बता दी. तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये क्या होता है हमारे पास मीन डेविएशन. यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आपको क्या करना है फॉरगेट साइन हेयर. यहाँ पे हमने साइन नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू. तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, मतलब सेंटर में हमने क्या लिया, सेंट्रल वैल्यू है 9 है हमारे पास मीन. इसीलिए जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा हमारे पास सेंट्रल वैल्यू से कितनी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की हुई है वो बताते हैं. तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने क्या लिया, मीन डेविएशन. तो डेविएशन से देखिए हमारे पास मीन 9 आया था, तो हर किसी का डिफरेंस देखिए 11 का 9 से 2 है, देन यहाँ पे देखिए 15 का 9 से 6 है, 14 का 9 से 7 ये है हमारे पास. जितना भी मतलब आपको ने इस तरीके से दिखा ये आपको समझ में आएगा, नो माइनस साइन, क्योंकि हम कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू. फाइंड द मीन ऑफ दोज डिस्टेंसेज, जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है मीन डेविएशन में, जो भी हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं उनका जब हम डिस्टेंस मीन ले लेंगे. ठीक है, अब हम मीन लेंगे उसी अपने मीन वाले तरीके से ही, जिस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास ये आएगा. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन. तो मीन हमारे पास 9 था तो मीन डेविएशन ये आ गया. ये जस्ट सिंपली आप इस चीज को, हो सकता है हमारे पास मीन दिया हो तो कुछ टर्म दे दें तो बोलें इसका मीन डेविएशन क्या होगा, तो हम इस चीज को फाइंड कर सकते हैं. देन इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला देखिए मीन डेविएशन का सम होगा किसका, x माइनस a. तो a हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आपको पता है मीन होगा, या इसको यहाँ पे आप x बार भी ले सकते हैं डिवाइडेड बाय n. ओके,
सिंपली वर्टिकल बार, जो यहाँ पे ये वर्टिकल बार्स हैं, वर्टिकल बार का मतलब ये वाली, इनका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट, बेसिकली टू इग्नोर द माइनस साइन, सिर्फ इनका यही मतलब है कि हम क्या करेंगे, इनको माइनस के साइन को इग्नोर करने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू दे देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट बोल रहे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन हाउ फार फ्रॉम द मीन, मतलब एब्सोल्यूट की वो मीन से कितनी दूरी पर है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, लेकिन अगर वो लेफ्ट में है तो हम नेगेटिव साइन को नहीं लेते, क्योंकि मोस्टली हम जो होता है नंबर लाइन पे इंटीजर्स की पे, तो हम जब इस जीरो की लेफ्ट पे जाते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव साइंस क्रिएट करते हैं, मतलब नेगेटिव साइंस लेते हैं, और जब हम राइट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइंस लेते हैं। ओके, तो बट यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्टेंस देखना है, तो जस्ट लाइक थिंक लाइक डिस्टेंस, मतलब जिस डिस्टेंस के लिए सोचना है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखें आप। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग बाय हाउ मच द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू फॉर द ग्रुप, और वी कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही है कि क्वांटिटी है एक्सप्रेसिंग की हाउ मच द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू, कि वो अपने मीन वैल्यू से कितने अलग हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो किस तरीके से बाकी नंबर्स के साथ स्प्रेड हुए हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, सिग्मा के साथ, और इसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ, यहाँ पे बिल्कुल ये मेन डेविएशन की तरह है, लेकिन हम यहाँ पे बार्स नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते, ठीक है, बस बिल्कुल सेम है, और इसके पास और क्या एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास, सिर्फ ये और ये स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या देखना आपने, एक तो सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करता है, इसका मतलब सम होगा एक्स ईच वैल्यू इन द डाटा जो हम लेते हैं, उसके बाद ये मीन आ जाएगा, देन नंबर ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट, ठीक है, तो इसको हम, हाँ, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में देन हमारे पास बात आ जाती है वेरिएंस की। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी भी हो सकता है, तो आप इसको अपने एग्जांपल में भी करके देख सकते हैं, आप अपनी तरफ से एग्जांपल ले लें कि किस तरीके, जिस तरीके से हमने मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन में हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट बार्स लिए थे, मतलब ये बार्स लिए थे, एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी इग्नोर करने के लिए किसको, नेगेटिव साइन को, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें साइंस की जरूरत पड़ेगी, उनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके उनका सम कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, बट इसका फॉर्मूला एटलीस्ट आप याद रखें कि किस तरीके से होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अनदर चीज से भी बोलते हैं कि वो स्क्वायर रूट ऑफ किसका होता है, वेरियंस का। तो वेरियंस क्या है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन्स। वेरियंस सिंपली क्या है कि वो मीन से, मतलब सपोज करें हमारे पास मीन है, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी, जैसे 3 है 2 है, जो भी डिस्टेंस पे है उनके नंबर, तो इनका हम क्या लिखते हैं, सिंपली स्क्वायर। तो स्क्वायर करके उनका सम करके हम डेविएशन ले लेते हैं, मतलब डेविएशन के जैसे, किसके, मीन डेविएशन के जैसे लेते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएंस। ओके, तो वेरिएंस को ही क्या कर देते हैं हम, जब ये स्क्वायर, देखिए जब ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट बना देगा, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो डिनोटेड बाय वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ये चीजें आपको याद रखनी है। हो सकता है पूछने कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किसी और नाम से कैसे कह सकते हैं या किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, सिंपली वेरिएंस भी होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ओके, इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास टॉपिक थर्ड जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें क्या है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। इसमें मेथड्स क्या है, आज का टॉपिक जो है वो छोटा सा ही है, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह करेंगे हमारा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, और वो एक ही लेक्चर में मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम उसको पूरा कर दें, अगर हो पाया, अदरवाइज दो लेक्चर लगेंगे हमारे पास डिलीवर करने के लिए, दो वीडियोज आ जाएंगी। तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। देखिए प्राइमरी डाटा, अब जिस तरीके से हम क्या करेंगे, सपोज करें हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम वहाँ से मसाले लेते हैं, अपना खाने का सामान लेते हैं, वो हमारे पास रॉ डाटा है, ठीक है, और इस तरीके से हम जब घर आएंगे, जब हम उसका खाना बनाएंगे, तब हम खाने बैठेंगे, तो वो हमारे पास पूरी सोर्स होगी, पूरा खाने के लिए तैयार होगा, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा हो गया। लेकिन प्राइमरी डाटा, अब सपोज करते हैं, ये तो हमने अपने लेवल पे देख लिया, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं
सिंगल सोर्स के पास जाते हैं, सपोज करें जहां से ये चीजें चुनी जाती हैं, मसाले चुने जाते हैं किसी खेत में, फील्ड में, डायरेक्टली हम फील्ड से जब कोई चीज उठा रहे हैं, तो वो क्या होता है प्राइमरी। जब हमें पैकेट्स में पैक होके मिलती हैं तो हम उनको पैकेट्स में भी नहीं बोल सकते, जब हम किसी फैक्ट्री में जाएं जहां पे ये चीजें पैक हो रही हैं, वो यहां जहां पे वो साफ हो रही हैं, उनके बीच में कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जा रहे हैं, तो वहां पे वो सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम वो प्राइमरी डाटा, मतलब जब हम जहां से चीज शुरू हो रही है, जहां पे उसका मतलब स्टार्टिंग है, ओरिजिन है, वहां पे जाके उस चीज को कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है प्राइमरी। और जब हम चीज को किसी सर्वे से, आप देखिए यहां पे मैं आपको आप समझा देती हूँ, अब प्राइमरी सेकेंडरी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी डाटा इज अ डाटा दैट कलेक्टेड बाय अ रिसर्चर फ्रॉम द फर्स्ट हैंड सोर्स। सपोज करो आप कहीं जाते हो, आपकी जॉब लगी है, आपको सर्वे के लिए भेजा गया, लेकिन आप क्या करते हो, डायरेक्ट उन जगहों पे जाते हो जहां पे कुछ लोग गरीब हैं बहुत ज्यादा, उनकी प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे जाके आप डायरेक्टली उनसे क्या करते हो, बात करते हो, ओके? उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स, ठीक है, वो हमारे पास प्राइमरी सोर्स होगा। लेकिन नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स आपके पास ये होगा कि आप घर बैठे होंगे, आप टीवी देख रहे हैं, वहां से आपको कुछ न्यूज मिलती है, आपने न्यूज़पेपर लिया, आप उसको पढ़ते हो, वहां से आपको कुछ पढ़ने को मिलता है, वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सोर्स। किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है। तो प्राइमरी डाटा हमारे पास ये है और सेकेंडरी डाटा हमारे पास फ्रॉम द स्टडीज, सर्वेज और एक्सपेरिमेंट दैट हैव बीन रन बाय अदर पीपल और फॉर द अदर रिसर्च, मतलब जो दूसरे लोगों से हम जाके पूछ के, ठीक है, उनसे पूछ के करेंगे, बताओ जी फलां जगह पे ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, अब वहां पे जाओ, सपोज करो कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पे कुछ ऐसे इंसिडेंट होता है कि हमें पूरे तरीके से पता नहीं होता, लेकिन वहां से जो लोग आए होंगे हम उनके पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं जी बताओ वहां की सूरत हाल क्या है, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं या कैसे उनको बचाया गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा। लेकिन जब आप खुद से उस जगह पे जाओगे, वहां के लोगों के साथ डायरेक्टली बातचीत करोगे, उनसे पूछोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी डाटा और डायरेक्टली सोर्स, मतलब फर्स्ट हैंडेड जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होगा। तो इसके मेथड्स हैं कुछ, तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा क्या है, पब्लिश लिटरेचर हो गया, ये सारे आ जाएंगे, ओके, पब्लिश लिटरेचर होते हैं, न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल्स हो गए, सर्वेस हो गए, मेल या ईमेल से जो होता है, इंटरव्यूज आप ले सकते हो, डाटा कलेक्ट करने का तरीका क्या क्या है, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जिस तरीके से जो भी तरीका आप अपनाओ अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो टेलीफोन, फेस टू फेस या फोकस ग्रुप में, ऑब्जर्वेशंस होगी, डॉक्यूमेंट्स होगी, रिकॉर्ड से हमने जाके चेक कर लिया, या एक्सपेरिमेंट्स, ये हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटाज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह वो हमारा क्या होगा, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट्स बेसिक्स एंड एप्लीकेशन। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और प्लीज अपनी कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर स्किप मत करें, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे आज के जितना भी अभी तक था हमारा इंपॉर्टेंट, कुछ हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं सारे, अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। ये वीडियो इतना लंबा नहीं करना चाहा मैंने, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं थी। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, एंड गुड लक, अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए, पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को, पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं, नामचा बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, डोला, गिरी, अन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हासले वैली, लंबा सिंह, अरिंथा गिरी, तिरुमल्ला, पालगोंडा, वालगोंडा, श्री सलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है माल्टीव्स, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन, क्या आप याद करना चाहते हैं? दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।
Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stops for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.